बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर मिस सोशीन एंड टुडे वी डिस्कस द सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया बिफोर द मुस्लिम्स। एंड आवर टॉपिक्स आर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ आर्यंस। आवर लर्निंग आउटकम्स आर एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू Describe about economical life of Aryans, describe about political life of Aryans, and describe about social life of Aryans. Let's start with economical life of Aryans. The Aryans were mostly farmers. उनमें ज़्यादातर लोग जो थे वो किसान थे. They used to grow barley and wheat. वो जौ और गंदम काश्त किया करते थे. Cotton and oil seeds were also their important crops. कॉटन यानी कपास और तेल पैदा करने वाले बीज उनकी बहुत अहम फसलें थीं। काउस, हॉर्सेस, डॉग्स, शीप्स एंड गॉड्स वर देयर डोमेस्टिक एनिमल्स। गाय, घोड़े, कुत्ते, शीप यानी भेड़ एंड गॉड्स यानी बकरियां उनकी डोमेस्टिक एनिमल्स थे, पालतू जानवर थे। The Aryans were good craftsmen. वो बहुत हुनरमंद थे. They used to make many things from wood, iron and clay. यानी वो बहुत हुनरमंद थे और वो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे लकड़ी से, लोहे से और मिट्टी से. They used to trade with other countries. वो दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत रखते थे या तिजारत करते थे. Their trade was on barter system. उनकी जो तिजारत थी वो बार्टर सिस्टम पे थी. बार्टर सिस्टम कैसा सिस्टम होता था कि जब रुपीज़ या नकदी जो थी वो राइज नहीं थी तो उस सूरत में लोग चीज़ों के बदले चीज़ें दिया करते थे. अपनी चीज़ को दूसरे बंदों को या दूसरे मुल्कों को दे के वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें या अशिया मंगवा लेते थे. इस सिस्टम को कहते थे बार्टर सिस्टम. यानी उनकी इकोनॉमिक लाइफ की जो मेन पॉइंट हो गया वो उनका बार्टर सिस्टम था. नेक्स्ट हम देखते हैं उनका पॉलिटिकल लाइफ. पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आर्यंस देखेंगे हम. इन द आर्यंस पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट वॉज अ किंग. ही यूज टू बी कॉल्ड राजन. राजन वॉज अ चीफ जस्टिस एंड अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी. उनकी पॉलिटिकल लाइफ में, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में जो हेड होता है, जो सरबराह होता है वो स्टेट का यानी पूरी रियासत का वो किंग होता है और उस किंग का नाम राजन होता है. राजन जो होता है वो चीफ जस्टिस भी होता है. इट मीन सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है यानी तमाम तरह के फैसले वो करता है. और इसके अलावा आर्मी का भी सुप्रीम कमांडर होता है यानी आर्मी का भी सबसे बड़े अहदे पर होता है जो डिसीजन लेता है आर्मीज़ के लिए. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वॉज सीन विद द हेल्प ऑफ मैनी ऑफिशल्स. एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या हुकूमत चलाने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑफिशल्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे. यानी एक से ज़्यादा बंदों में ड्यूटीज़ डिवाइड थी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ आर्यंस, ड्यूटी ऑफ द किंग वॉज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स. जो किंग था, जो स्टेट का सरबरा था, उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी थी वो अपने सिटीजन्स यानी अपने शहरियों की हिफाजत करना थी. ही वॉज आल्सो सपोज टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री. यानी कंट्री के अंदर कानून की जो है पासदारी भी उसका काम था. द नेक्स्ट इज सोशल लाइफ ऑफ आर्यंस. Aryans used to live in villages. The idea of planned cities like Mohenjo-daro was not known to them. वो villages में रहा करते थे, गाँव में रहा करते थे. और हमने जब पढ़ा था Mohenjo-daro का तो हमने देखा था कि Mohenjo-daro के जो लोग थे वो बहुत प्लांट सिटी के अंदर रहते थे. उनके घर बहुत वेल बिल्ट थे. लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं था. एवरी फैमिली वॉज अ यूनिट इन देयर सोशल सिस्टम. अब हर पूरे सोशल सिस्टम में हर फैमिली जो होती है एक यूनिट की काम करती थी. द फादर वॉज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द फैमिली. जो बाप था वो उस फैमिली का हेड था. औरतों का माशरे में बहुत अहम मकाम था. द वाइफ वॉज सपोज टू मैनेज द फैमिली अफेयर्स. जो वाइफ थी या बीवी जो थी वो फैमिली अफेयर्स या
जो घरेलू मामला थे उसको मैनेज करती थी। द आर्यंस यूज टू मेक देयर ड्रेसेस फ्रॉम कॉटन वूल और डियर स्किन। उनके जो ड्रेसेस होते थे वो कॉटन के, वूल के, ऊन के यानी, और डियर स्किन यानी हिरन की खालों से मिलके बनते थे। मैन एंड वुमेन यूज गोल्ड ऑर्नामेंट्स। औरतें और मर्द दोनों सोने के जेवरात पहना करते थे। द मेन आइटम्स ऑफ देयर वॉज मिल्क, वेजिटेबल, पार्स ग्रेन्स एंड केक। उनका जो मेन फूड आइटम थे, आर्टिकल्स जो थे वो थे दूध, सब्जियां और सूखे हुए बीज, ग्रेन्स। पार्स ग्रेन्स मैंने सूखे हुए या खुश्क बीजों को कहा जाता है। एंड केक उनकी खुराक थी। दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। वो बहुत शौकीन थे डांस और म्यूज़िक के, यानी जब सारे दिन के बाद लोग मिलके बैठते थे, जमा होते थे, तो वो डांस और म्यूज़िक से अपने आप को आराम देते थे या तफरी करते थे। दे यूज़ टू ड्रिंक वाइन्स। वो वाइन्स पीते थे। द आर्यन वर सिविलाइज्ड पीपल। जो आर्यंस जो थे वो मोहनजोदड़ो के मुकाबले में ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग थे। ये तो था हमारा आर्यन से रिलेटेड आर्टिकल, ये हमारा टॉपिक। उम्मीद है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।